आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ काइट हैविंग ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी. प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड इन ऑर्डर इज रेक्टेंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी इज अ काइट. तो काइट हमारा कैसे होता है, वी विल मेक लाइक दैट ऑन. ठीक है, तो दिस इज योर काइट. तो अब इसने क्या कहा, देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, दैट मीन्स ए इज दिस साइड. तो बी आपका इधर हो गया एंड डी आपका इधर हो गया. दिस पॉइंट इज योर सी. ठीक है, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये आपका दिया हुआ है. ठीक है, इसलिए हम इसको दो मार्क कर देते हैं बाहर की तरफ. ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, देखो जो इसने कहा पहले हम वो लिख लेते हैं. इसने कहा ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड दूसरा इसने कहा बी सी इज इक्वल टू सी डी. ये आपका गिवन है. ठीक है, नाउ अब क्या करना है आपको, वी हैव टू प्रूव दैट कि इनके मिड पॉइंट्स, तो इनका मिड पॉइंट सपोज ये जो मार्क किए हैं यही इनका मिड पॉइंट है. ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इट विल फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो बन गया है ये क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको नेम करते हैं. तो ए बी सी डी तो पहले दे दिया था, तो अब हम इसको दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस. ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल मेक अ कंस्ट्रक्शन. वो कंस्ट्रक्शन आपका कैसे होगा, लाइक दिस. बी टू डी को हम ज्वाइन कर देंगे अभी. ठीक है, नाउ तो जस्ट अब आपको लेना है ऊपर वाला ट्रायंगल, दैट इज योर ए बी एंड डी. तो ट्रायंगल इज अवर ए बी एंड डी. इन दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स. पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स. ठीक है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी. पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी. ठीक है, नाउ और क्या होगा आपका, और नहीं एंड आपका हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ द बी डी. मेजरमेंट इज हाफ, तो वी कैन राइट इट एज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ द बी. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ले लिया वन. ठीक है, नाउ अब हम लेंगे ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, दैट इज योर सी बी एंड डी. ठीक है, तो हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, दैट इज योर सी बी डी. ट्रायंगल सी बी डी, तो इन दैट ऑल्सो एस एंड आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है,
तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एस आर इज पैरेलल टू बी डी, एस आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्या हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू हाफ द बी डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या है, आपका हाफ बी डी इज कॉमन, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा बाई वन एंड टू वी कैन राइट इट एज बाई वन एंड टू आपको क्या मिला, आपका मिला पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, है ना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो ये हो गया आपका, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रेक्टेंगल हमारा कैसे होता है, इट्स अ पैरेललोग्राम, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं कि यस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल गो फॉर सेकेंड, सेकेंड में आपको क्या करना है, अभी हमने बीडी को ज्वाइन किया था, अब हम एसी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो एसी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको लेना है लेफ्ट साइड का ट्रायंगल, दैट इज योर ए बी एंड सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका क्या है, देखो पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका कैसे हो जाएगा, ये पी एस इज पैरेलल टू ए सी, पी एस इज पैरेलल टू ए सी एंड एट द सेम टाइम आपका क्या हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू हाफ द ए सी। तो नाउ हम इसको ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और देखो अब हम राइट साइड का लेते हैं, तो राइट साइड का ट्रायंगल क्या है आपका ए डी एंड सी, है ना। तो हमारा राइट साइड का ट्रायंगल इज ए सी एंड डी। तो इसके अंदर आपका देखो क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स, क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। नाउ तो Q एंड R अगर मिड पॉइंट्स हैं आपके, तो अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपको कैसे हो जाएगा QR इज पैरेलल टू AC, है ना। तो वी विल राइट दैट ओनली QR इज पैरेलल टू AC एंड क्या हो गया आपका QR इज हाफ द AC, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ द ए सी। तो दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट, तो बाय थर्ड एंड फोर्थ से आपका क्या हो गया, देखो हाफ ए सी इज हियर एंड हाफ ए सी इज हियर, तो आपका क्या हो गया पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो हमारा हो गया पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपके क्या हो गए चारों साइड्स में अपोजिट साइड्स आर नाउ पैरेलल, इक्वल है ना, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, दोनों चीज हो गए। तो नाउ इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, तो वी कैन राइट इट एज पी क्यू आर एस इज नाउ अ पैरेललोग्राम,
ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे पैलोग्राम। अब लेकिन रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, वी विल राइट दैट, है ना। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, फर्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो वो हमारा होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्रीज, दैट मीन्स एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। तो वी कैन से एवरी एंगल दैट मीन्स इज 90 डिग्रीज, एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमने फर्स्ट वाला तो प्रूव कर दिया बाय दिस, सेकेंड वाला हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट वी विल गो फॉर एंगल्स। तो एंगल्स हम कैसे बनाएंगे, देखो आप कोई भी एक साइड ले लो, तो हमने ले लिया ये साइड, तो यहां पर मैंने लिख दिया वन, यहां लिख दिया टू, यहां लिख दिया थ्री, और यहां लिख दिया मैंने फोर, ठीक है। तो वन टू थ्री एंड फोर नाउ, तो हमारा जो गिवन है इसके अंदर दे रखा है P इज द मिड पॉइंट। तो आपका क्या हो गया, देखो P इज द मिड पॉइंट, और हमारा ये भी दिया हुआ है कि दे आर इक्वल, ए बी एंड ए डी आर इक्वल गिवन। तो बाय दिस वी कैन से नाउ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, दैट मीन्स वी कैन से ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, है ना। तो वी कैन से ए पी, बाय दिस वी कैन से ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। तो दैट मीन्स आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, दिस साइड एंड दिस साइड। तो दो साइड्स किसके इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो दैट मीन्स आपके अपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो वी कैन राइट इट एज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू गो फॉर दिस टू स्मॉल ट्रायंगल्स। तो वो ट्रायंगल्स हमारे कौन से हैं, देखो पी बी एंड एस, पी बी एस, एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारा कौन सा है, देखो क्यू डी एंड आर, क्यू डी एंड आर, ठीक है ना। अभी आप देखो वन एंड टू को हमने इक्वल किया है, ये आप सोच रहे हैं पता नहीं और क्या कर रहा है, नहीं थ्री एंड फोर को भी हम इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं इसको हमको प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। तो आप देखोगे इफ पी इज द मिड पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो वी कैन से पी बी इज इक्वल टू क्यू डी बाय दिस। तो हमारा क्या आ गया, देखो पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, एक साइड हो गई, है ना। नाउ अब दूसरा साइड देखो, यहां पर बी सी इज इक्वल टू डी सी ये दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका दिस साइड और एस एंड आर द मिड पॉइंट्स। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, बी एस इज इक्वल टू डी आर, बी एस इज इक्वल टू डी आर, ठीक है ना। और ये देखो हमने पहले प्रूव कर दिया है कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, कहां पर किया है हमने, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो यही भी हम लिख देते हैं यहां पर,
पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो वी कैन से बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन एस 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 क्राइटेरियन बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो वी कैन से ट्रायंगल पी बी एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू डी आर। अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, नाउ वी कैन गो फॉर सीपीसीटी। तो सीपीसीटी में हम थ्री एंड फोर को इक्वल कर देंगे, तो वी कैन गो फॉर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, दैट इज योर सीपीसीटी। ठीक है, तो अब हमारा थ्री एंड फोर भी इक्वल हो गया, पहले वन एंड टू भी इक्वल था। नाउ अब आपको क्या करना है, एक साइड कोई भी एक साइड लेनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक साइड 90 डिग्री से तो दूसरी साइड ऑटो में 90 आ जाएगी, है ना, बाय कैसे इंटरनल एडजेसेंट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। ठीक है, नाउ तो हम एक साइड लेते हैं, सपोज हमने ले लिया ए पी एंड बी, तो हमने ले लिया ए पी एंड बी, दिस इज अवर एंगल। तो इसके अंदर देखो क्या है आपका, वन प्लस एंगल दिस प्लस थ्री, तो वी कैन से एंगल वन प्लस एंगल क्या है हमारा, वो क्यू पी एंड एस, क्यू पी एंड एस प्लस एंगल थ्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ और यहां पर देखो, अब ये वाला एक साइड ले लो ए क्यू एंड डी, तो इन एंगल ए क्यू एंड डी आपका क्या है, एंगल टू प्लस दिस एंगल प्लस फोर, एंगल टू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोथ आर 180 डिग्री, है ना, तो बोथ आर 180 डिग्री, मतलब हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो एंगल वन प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल थ्री, दैट इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल फोर। ठीक है, नाउ तो अब देखो ध्यान से, वन एंड टू आर इक्वल, थ्री एंड फोर आर इक्वल, दैट मीन्स दिस टू आर ऑल्सो इक्वल, तो वी कैन गो फॉर एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो आपके ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो आप दोनों के इक्वल हो गए। नाउ अब आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज में या पैरेलल लाइंस के, तो हमने पहले प्रूव कर रखा है, तो अब ये क्या होगा, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो वी कैन गो फॉर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल दैट मीन ये दोनों का सम इज 180 डिग्री, तो वी कैन राइट इट एज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो आपका हो गया क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहां पर हमने प्रूव किया हुआ है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज टू एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी एस क्या हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू 180 बाय 2 इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ तो वो आपका 90 डिग्री हो गया, तो प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई दोनों। ठीक है,
इस तरह से आपको करना है. अगर वो 90 डिग्री से, देन वी कैन से दैट कि ए आपका क्या है, 90 डिग्री प्रूव कर लिया, अपोजिट साइड्स भी प्रूव कर दिया, तो दैट मींस आपका पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. तो वी कैन राइट इट एज रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, हैंस प्रूव्ड. ठीक है.